हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं क्लास टेंथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ खास क्वेश्चन के बारे में जो अभी आपके स्क्रीन पर नजर आ रहा है। जी हां बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन क्लास टेंथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपने जरूर बनाया होगा और इसको बनाने का सही तरीका हम लोग जानते भी हैं, लेकिन आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ कि इस क्वेश्चन को बनाने के बाद हम लोग इसी क्वेश्चन के फंडे का इस्तेमाल करके और भी कई क्वेश्चन को ईजिली बना सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं बच्चों जिसको हम लोग दूसरे तरीके से बनाने का कोशिश करेंगे तो वो थोड़ा लेंदी चला जाता है। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये x प्लस वन बाई एक्स और x माइनस वन बाई एक्स का जो क्वेश्चन बनाने का जो तरीका है उसी तरीके का इस्तेमाल करके हम लोग बहुत सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को ईजिली बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू फाइव बाई टू, ये क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग एक्चुअल में कैसे करते हैं। तो करने का क्या तरीका है, करने का ये तरीका है कि ये जो x प्लस वन बाई एक्स इज इक्वल टू फाइव बाई टू दिख रहा है बच्चों, ये सबसे पहली बात तो ये है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसा नजर नहीं आ रहा है। तो सबसे पहला काम मेरे को इसको क्या करना पड़ेगा, इसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के फॉर्म में क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। और कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इन दोनों को जोड़ूंगा, यानी एक्स और वन बाई एक्स को जोड़ूंगा। अब एक्स के नीचे मेरे को कुछ नहीं दिख रहा है तो मैं इसके नीचे वन लिख लेता हूं, और अब मैं इनको जोड़ने के लिए पहले इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो वन आ जाएगा, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा फाइव बाई टू। अगर जोड़ने के लिए आप कोई और तरीका भी अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू, अगर इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा फाइव एक्स। और अगर अब मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं तो बच्चों ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अब बन जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू बराबर जीरो। अब इस क्वेश्चन को बनाने का हमारे पास टोटल तीन मेथड है, जिसमें पहला मेथड था फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड और एक फॉर्मूला मेथड भी हमने देखा था। अगर क्वेश्चन में आप लोगों को ये पहले से मेंशन किया गया है कि फैक्टराइजेशन मेथड से बनाइए तो मैं चाहूँगा कि आप फैक्टराइजेशन मेथड से ही कंप्लीटली उसको बनाएं ताकि आपको पूरा का पूरा मार्क्स उसमें मिले। अब मैं क्या करता हूँ, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से ही चलो बनाता हूँ। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर आ जाएगा, और प्लस या माइनस सॉरी मल्टीप्लाई करने पर हम लोगों को फोर मिलना चाहिए, जैसे वन इंटू फोर, और दोनों नंबर को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पर फाइव के बराबर आना चाहिए। तो मेरे को पता है कि वन और फोर को ऐड करूंगा तो ये फाइव के बराबर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स माइनस फोर एक्स प्लस टू बराबर जीरो। अब इन दोनों में से मैं एक्स कॉमन निकाल दूंगा तो यहाँ पर मेरे को बच्चों टू एक्स नजर आ रहा है, क्योंकि एक एक्स बाहर चला गया है कॉमन में और टू एक्स बच गया है, और माइनस में एक्स कॉमन हो गया तो यहाँ पर माइनस वन बचा है। वहीं पर इन दोनों में अगर मैं देखूँ तो ये माइनस टू कॉमन नजर आ रहा है, और ये हो जाएगा टू एक्स, टू कॉमन निकल गया है, फोर में से टू कॉमन निकल गया है तो टू रह गया है और बच गया है एक्स यहाँ पर, और माइनस को मैंने कॉमन निकाल दिया है तो क्या यहाँ पर एक प्लस था तो माइनस और माइनस मिला करके प्लस बनता है बच्चों, और आपने एक माइनस कॉमन निकाल लिया है तो बच गया एक माइनस, तो ये माइनस वन आ जाएगा और इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि टू को हमने कॉमन निकाल दिया था। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है बच्चों, इन दोनों में से मैं टू एक्स माइनस वन को अगर मैं कॉमन निकाल दूं तो यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। अब देखो मेरे पास दो आंसर मिल गए हैं, एक एक्स एक वैल्यू है वन बाई टू और एक वैल्यू है टू, यही दो नंबर है बच्चों, इन दोनों नंबर को आप ऐड करोगे तो ये फाइव बाई टू के बराबर हो जाएगा। यही हम लोगों को क्या करना था, निकालना था। और ऐसे ही क्वेश्चन ये माइनस वाला जो दिख रहा है इसी सेम तरीके से ही हम लोग इसका भी क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद उसका क्या करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। अब देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में एक्चुअल में क्या बोला गया था, इसके थोड़ा सा मैं डीपली जाना चाहता हूँ। इस क्वेश्चन में बोला गया ये था कि अगर मैं किसी नंबर में वन बाई एक्स का, यानी अगर मान लो मेरे पास कोई एक नंबर है एक्स, उसको अगर मैं जोड़ दूं वन अपॉन एक्स, यानी कि मैं अगर किसी नंबर में उसके रेसिप्रोकल को क्या कर दूं, जोड़ दूं, तो वो फाइव बाई टू के बराबर आ जाएगा, ये बोला गया। दूसरे क्वेश्चन में बोला गया है अगर किसी नंबर में मैं उसके रेसिप्रोकल को माइनस कर दूं तो ये एट बाई थ्री के बराबर आ जाएगा। इस तरीके का वर्ड प्रॉब्लम भी हम लोगों को कई बार दिखता है, तो वर्ड प्रॉब्लम को भी आप ठीक से पढ़ ले, और उसके बाद हम लोग को तो इक्वेशन बनाना ही पड़ेगा। तो यही इक्वेशन बनता है, सम ऑफ नंबर विथ इट्स रेसिप्रोकल, ये हम लोग को जनरली बोला जाता है, यानी कि किसी भी नंबर का सम उसके रेसिप्रोकल के साथ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी फंडे का इस्तेमाल करके
बाकी क्वेश्चंस को भी बनाएंगे। बाकी क्वेश्चन देखिए मैंने आपके स्क्रीन पर लिखे हैं बहुत सारे, इन सारे क्वेश्चन को अगर आप लोग देखो तो ये क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं, और अगर जो मेथड मैं अभी बताने वाला हूँ अगर उस मेथड के अलावा आप किसी और मेथड में जाने के लिए कोशिश करेंगे तो मैं जानता हूँ ये क्वेश्चन बहुत ही लेंदी हो जाता है और बहुत बड़ा कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए जो मैं मेथड बोल रहा हूँ बच्चों उस मेथड से इन सारे क्वेश्चन को आप बनाने की कोशिश करेंगे। देखो सारे क्वेश्चन को कैसे पहचानना है, इसको पहले वाले क्वेश्चन को देखो तो यहाँ पर दिख रहा है x माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस वन और यहाँ पर दिख रहा है टू एक्स प्लस वन अपॉन में x माइनस वन। अगर मैं इस नंबर को देखूं तो ये नंबर है y मान लो, ठीक है, तो ये कौन सा नंबर है, तो ये इसका रेसिप्रोकल है, तो ये क्या होगा वन बाई वाई के बराबर होगा, यानी कि एक नंबर में उसके रेसिप्रोकल को ऐड करना। यहाँ पर देखिए दूसरे क्वेश्चन में ये अगर मान लो मैं y के बराबर मानता हूँ तो ये क्या है, ये भी तो वन बाई वाई है। ये वाले को अगर सोचो, ये वाले को देखो अगर ध्यान से, तो ये वाले को अगर मैं वाई बोलूँ तो ये वाला नंबर क्या होगा, ये वाला नंबर वन बाई वाई होगा, ये इसका रेसिप्रोकल है बच्चों, सेवन एक्स प्लस वन अपॉन फाइव एक्स माइनस थ्री और यहाँ पर फाइव एक्स माइनस थ्री अपॉन सेवन एक्स प्लस वन लिखा हुआ है, ये उसका उल्टा है यानी रेसिप्रोकल है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग इससे पहले वाले जो क्वेश्चन को बनाए थे उसी मेथड का इस्तेमाल करके इन क्वेश्चन को भी हम लोग को बनाना है। अगर आप कोई और मेथड लगाने की कोशिश करेंगे तो बच्चों मेरे को पता है कि वो बहुत लेंदी चला जाएगा और फिर आपका आंसर रॉन्ग आ सकता है, इसलिए मैं जो मेथड बता रहा हूँ वो मेथड इसको बनाने का मेरे को लगता है कि एक सटीक क्वेश्चन है, सटीक मेथड है। जैसे मान लो चलो हम लोगों को पहला क्वेश्चन कौन सा ले लें, कोई भी एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं, चलो इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है ना, इस क्वेश्चन को अगर मैं देखूं, एक मिनट रुकेंगे और इसको मैं चला जाता हूं नीचे लेकर के, पहले तो चलिए यहां पर एक क्वेश्चन है ना, ये इस क्वेश्चन को मेरे को क्या करना है बनाना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी देखो बच्चों तो ये भी क्वेश्चन वैसा ही दिख रहा है, ये देखो ये y है और ये क्या है, ये 1 बाई y है, देखो ये y है और ये इसका रेसिप्रोकल है। तो देखिए मैं इसको कैसे लिखूंगा, इसको लिखूंगा x माइनस ए अपॉन x माइनस बी को मैं y ले लेता हूं, ठीक है। तो अगर ये y है बच्चों तो ये क्या होगा, ये 1 बाई वाई होगा, तो y प्लस 1 बाई वाई इज इक्वल टू, ये बच्चों इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर देता हूं और इसको मैं बना देता हूं ए बी और इसको बना देता हूं ए स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब हम लोग इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये वाला बन जाएगा वाई और ये इधर मल्टीप्लाई होकर के वाई स्क्वायर, इसके नहीं कुछ नीचे कुछ नहीं है तो वन है और प्लस में वन इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए बी। अब मैं क्या करूंगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू हम लोग क्या करेंगे ए बी का प्रोडक्ट करेंगे और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में मैं वाई का मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, ये बात बहुत अच्छे से याद रखना है ना, इसको मैं अभी मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, बाद में देखना है हम लोग को क्या करना है, पहले इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा ए बी वाई स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और साथ में मल्टीप्लाई में है y। अब मैं इसको इधर ट्रांसफर कर दूं तो ये इक्वेशन देखिए कैसा दिख रहा है ना, ए बी वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस ए बी बराबर जीरो। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं y का वैल्यू फाइंड करूंगा, कैसे y का वैल्यू फाइंड करूंगा, तो y का वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि ये पहले से मिडिल टर्म में स्प्लिट हुआ है, देखो कैसे स्प्लिट हो जाएगा, ये ए बी वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई, ये y को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और ये माइनस बी और ये माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस ए बी बराबर में जीरो। अब इन दोनों में से क्या मैं कॉमन निकालूंगा, तो मेरे को एक ए कॉमन दिख रहा है और एक वाई कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर क्या बच गया बच्चों, तो यहाँ पर बी बच गया है और एक वाई भी बचा है, माइनस में यहाँ पर एक ए कॉमन निकल गया था तो ए बचा था और वाई तो मैंने कॉमन निकाल ही लिया था, और यहाँ पर देखिए माइनस इन दोनों में कॉमन बी दिख रहा है तो मैं माइनस बी कॉमन निकाला, तो यहाँ पर दो बी था तो एक बी बच गया बी वाई और ये माइनस फिर से मैंने कॉमन निकाल दिया, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस
माइनस कॉमन निकाल दिया, दो माइनस था हमारे पास तभी ये प्लस का साइन है, माइनस कॉमन निकाल दिया तो माइनस बचा, और बी भी मैंने कॉमन निकाला तो ए इज इक्वल टू जीरो। मैंने बताया था कि ये दोनों ब्रैकेट में एक ही नंबर बचना चाहिए, यानी कि एक ही क्वांटिटी होनी चाहिए। बी वाई माइनस ए को मैं फिर से कॉमन निकालूंगा तो ये हो जाएगा ए वाई माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। अब इसको इससे इक्वेट कर देंगे और इसको इससे इक्वेट कर देंगे। अब क्या करना है हम लोगों को, तो अब इसको मैं बना दूंगा बी वाई इज इक्वल टू ए बन जाएगा, अगर इसको जीरो से इक्वेट करूं तो वाई इज इक्वल टू ए बाई बी आ जाएगा, और यहां पर वाई इज इक्वल टू बी बाई ए आ जाएगा। अब मैंने क्या किया, वाई का वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है। पहला काम ये करो कि आप उसको वाई मान लो और वाई का वैल्यू फाइंड कर लो, और वाई का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब वाई का वैल्यू तो हमको मिल गया लेकिन हमको वैल्यू किसका निकालना था, हमको तो एक्स का वैल्यू फाइंड करना है। तो अब हमको पता है कि ये जो वाई था वो खुद क्या था, y जो था वो x माइनस ए अपॉन x माइनस बी था। तो y के जगह पर y इज इक्वल टू हमारे पास एक बार a बाई बी है और एक बार y के जगह एक बार b बाई ए है। तो यहां पर देखो मैं लिख सकता हूँ x माइनस ए अपॉन x माइनस बी, और यहां पर लिख सकता हूँ a अपॉन बी, और यहां लिख सकता हूँ x माइनस ए अपॉन x माइनस बी इज इक्वल टू बी बाई ए। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि y जो था उसको पहले हम लोग बोले थे कि ये जो y है वो तो x माइनस ए अपॉन x माइनस बी के बराबर है। अब मैं क्या करूंगा, इसमें से x का वैल्यू निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, बी एक्स माइनस ए बी इज इक्वल टू ए एक्स माइनस ए बी। आप इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, देखिए तो ये हो जाएगा बी एक्स माइनस ए एक्स। शायद मैंने कुछ मिस्टेक किया है, एक मिनट रुकेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक ये हुआ है कि ये b को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा था तो ये b x बना और ये ए बी बनेगा। अब मैं इसको इधर ट्रांसफर करूंगा तो बी एक्स माइनस ए एक्स इज इक्वल टू, अगर मैं इसको इधर ट्रांसफर करूं तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो ये हो जाएगा जीरो, और इन दोनों में से मैं x कॉमन निकालूंगा तो b माइनस ए बराबर जीरो, और x का वैल्यू देखो क्या निकला, जीरो अपॉन b माइनस ए निकला बच्चों। तो x का वैल्यू क्या दिख रहा है मेरे को, जीरो दिख रहा है। और वहीं पर यहां पर से अगर मैं सॉल्यूशन करूं तो x का एक और वैल्यू मेरे को दिखेगा, जो भी वैल्यू दिखे, वो दोनों वैल्यू मेरे को चाहिए थी और ये दोनों वैल्यू मिल गया है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को और कोई दूसरे मेथड से बनाने का प्रयास करेंगे तो आपको बनाने के बाद ही पता चलेगा कि आप कहीं ना कहीं पर जरूर फंस जाएंगे, या तो आपका कैलकुलेशन इतना ज्यादा लेंथी हो जाएगा, मल्टीप्लाई करना अब पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा लेंथी चला जाएगा। तो ये मेरे को लगता है कि ये इस तरीके के क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है, और हम लोग फंडा यूज कर रहे हैं किसका, एक्स प्लस वन बाई एक्स का और एक्स माइनस वन बाई एक्स का। चलो एक और क्वेश्चन मैं देखता हूँ ना, एक और क्वेश्चन इसी में कहीं, चलो मान लो ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए देखो क्या लिखा है, 5 प्लस एक्स 5 माइनस एक्स। इसको पहले मैं नीचे लेकर चला जाता हूं, सबसे पहला काम ये करता हूं, इसको नीचे ले आते हैं हम लोग पहले, और फिर इसको क्या करेंगे, बनाएंगे, ठीक है, ये यहां पर ले, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए फिर से देखिए मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है ये वाई और ये दिख रहा है वन बाई वाई। तो मैं अब क्या करूंगा, अब मैं 5 माइनस एक्स सॉरी 5 प्लस एक्स अपॉन 5 माइनस एक्स को y मान लूंगा, तो ये लिखा हुआ है y और ये लिखा हुआ है माइनस वन बाई वाई इज इक्वल टू, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, ये हो जाएगा 15 बाई फोर, मिक्सड फ्रैक्शन में है, इसको p अपॉन q के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिए, और ये दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करके मैं करूंगा वाई, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल टू 15 बाई फोर। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 15y। अब ये हो जाएगा 4y स्क्वायर माइनस 15y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 16, यानी प्लस मल्टीप्लाई करने पर 16 मिलना चाहिए और प्लस माइनस करने पर क्या मिलना चाहिए बच्चों, 15। तो मेरे को पता है मैं 16 इंटू 1 करूंगा तो 16 मिल जाएगा और प्लस माइनस करने पर मेरे को 15 मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 4y स्क्वायर माइनस y माइनस 16y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। देखो अभी मैंने गलत किया है, दोनों को माइनस करने पर 15 मिलेगा, तो एक प्लस रहेगा और एक माइनस रहेगा, तो मैंने यहाँ पर प्लस लगाना है क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, तो बड़ा जो रहेगा उसमें माइनस का साइन लगेगा। इसके पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको ये सब बताया था। अभी मैं क्या करूँगा, इन दोनों में से y कॉमन निकाल लूंगा और ये हो जाएगा 4y
और प्लस में बच जाएगा बच्चों वन, और यहाँ इन दोनों में से भी मेरे को माइनस फोर कॉमन नजर आ रहा है तो यहाँ पर बच जाएगा फोर वाई, और क्योंकि मैंने माइनस को कॉमन निकाल दिया तो ये बन गया प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो y का वैल्यू तो एक बार 4 नजर आ रहा है और y का वैल्यू एक बार माइनस वन बाई फोर नजर आ रहा है। अब मेरे को x का वैल्यू निकालना था, तो x का वैल्यू निकालने के लिए y क्या था मेरा, तो y था ये, तो 5 प्लस एक्स अपॉन 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक बार 4, और 5 प्लस एक्स अपॉन 5 माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस वन बाई फोर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 20 माइनस 4x, इसको उठाकर इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा इधर जाकर के 15। तो x का वैल्यू देखो यहाँ से 3 निकल गया, और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 प्लस 4x इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस एक्स, इसको उठाकर इधर ट्रांसफर कर दो फिर से तो ये 3x हो जाएगा, और इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो माइनस 5, और ये इधर ट्रांसफर होकर के देख लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं किया है, इसको इधर मल्टीप्लाई करके x कर दिए और यहाँ पर माइनस 5x और ये माइनस 20 इधर जा करके x का वैल्यू निकल कर आएगा माइनस 25 बाई 3। हो सकता है शायद मैंने कोई मिस्टेक किया हो, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा प्लस 4x, ये हो जाएगा माइनस 5 और ये हो जाएगा प्लस x, यहाँ भी करेक्ट था। और उसके बाद मैं क्या किया, x को ट्रांसफर कर दिया तो ये 3x बन गया और उसको इधर ट्रांसफर कर माइनस 2, तो हमारे पास ये दो आंसर आएंगे। x का वैल्यू एक बार दिख रहा है मेरे को 3 और एक बार दिख रहा है माइनस 25 बाई 3। तो इस तरीके का क्वेश्चन को बनाने का ये सही मेथड है, और आप ये मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो आप इजिली इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, इन सारे क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, का रूट जो है वो इजिली क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।